अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस खबर पर नज़रसानी करने जा रहे हैं वह इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ने की हर कोशिश की मजम्मत करते हैं, सऊदी के वज़ीर खारजा का बयान। सऊदी अरब के वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि दुनिया भर में होने वाले दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और नफरत पर नफरत उकसाने की तमाम कोशिशें काबिल मजम्मत हैं और इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अल अरबिया डॉट नेट के मुताबिक इस्लामी टाउन काउंसिल तंजीम ओआईसी के 47वें वज़ीरे खारजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर खारजा ने कहा कि इस्लाम का दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम और दहशतगर्दी को आपस में जोड़ने की हर कोशिश की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि आलम इस्लाम खुद इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में खड़ा है। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि यमन के हुसी दहशतगर्दों की तरफ से ममलिकत पर सैकड़ों प्लास्टिक मिज़ाइल और बम ड्रोन हमले किए गए। उनका कहना है कि हुसी एक दहशतगर्दी ग्रुप है जो ईरान के इशारों पर यमन में तबाही फैलाने के साथ साथ सऊदी अरब की सलामती को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद हुसैमीन ने कहा कि दहशतगर्दी अज़र आसिर का कैंसर है और इसे जवाब देने की कोशिश को मुस्तद करते हैं। वज़ीरे खारजा के इजलास से खिताब में हुसैमीन ने कहा कि हम इस्लाम मुखालिफ बयानों की शदीद मजम्मत करते हैं और इस्लाम और दहशतगर्दी को आपस में जोड़ने की कोशिशों को मुस्तर्द करते हैं। उनका कहना था कि दुनिया में इस्लामोफोबिया की मकरो मुहिम बैनुल अक्वामी इंसानी हकूक के खिलाफ है।